का शिकार करने वाला वो वायुवीर हादसे का शिकार कैसे हुआ? MI-17V5 की गिनती सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में की जाती है, इसीलिए रक्षा मामलों के जानकार हादसे को लेकर कई तरह की आशंका जता रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। वायुवीरों के जिस योद्धा की गिनती दुनिया की सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में होती है, आसमान के जिस लड़ाकू ने जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ अपने अभूतपूर्व शौर्य का लोहा मनवाया, हमारे शूरवीरों की ताकत में शुमार ये आसमानी घातक हादसे का शिकार कैसे हुआ? इस बारे में अब तक दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी कई वजह हो सकती है। पहली वजह, खराब मौसम। हेलीकॉप्टर हादसे की बड़ी और अहम वजह खराब मौसम को भी बताया जा रहा है। दरअसल जंगल और पहाड़ी इलाकों के पास वेलिंगटन का हेलीपैड मौजूद है, इसी वजह से यहां प्लेन को लैंडिंग करना काफी मुश्किल होता है। यहां पर हेलीपैड दूर से दिखाई नहीं देता, काफी नजदीक आने पर ही पायलट को हेलीपैड दिखाई पड़ती है, जिसके बाद ही पायलट लैंडिंग का आखिरी फैसला करता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि खराब मौसम में जब पायलट को हेलीपैड करीब लगा होगा, तब वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा होगा। दूसरी वजह, तकनीकी खामी। हादसे की एक और वजह हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खामी को भी माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। इस हेलीकॉप्टर में दो इंजन होते हैं, जिसमें अगर एक इंजन भी काम करता है तो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि एक ही साथ दोनों इंजन में खराबी आ गई हो, या फिर हेलीकॉप्टर के फ्यूल पंप से फ्यूल की सप्लाई एकाएक बंद हो गई हो। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि MI-17V5 हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला था। ऐसे में अगर एक इंजन फेल भी हो जाता तो दूसरे इंजन से सुरक्षित लैंडिंग हो सकती थी। और इस आसमानी योद्धा की सबसे बड़ी खासियत है कि ये खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये किसी भी भौगोलिक हालात में उड़ान भर सकने में सक्षम है, चाहे ज्यादा ऊंचाई हो या फिर रात का घना अंधेरा। रॉकेट, तोप और छोटे हथियारों से लैस होकर ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर सकता है। मैं बहुत ब्रीफ में बात करूंगा कि मेरे अनुसार 8 कारण हो सकता है ये क्रैश होने का। प्री फ्लाइट चेकअप, पायलट एरर, टेक्निकल फेलियर, नेविगेशन एरर, विजिबिलिटी कम होने का कारण, क्लाउड इफेक्ट कि क्लाउड में हेलीकॉप्टर फंस गया, साबोटाज एंगल, वायर एंगल कि नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी जो केबल है वो जो डाला जाता है उसका पोजीशन चेंज कर दिया जाता है और पायलट को दिखाई नहीं पड़ता है, तो वायर में लोग क्रैश करते हैं, आग लग जाती है। और 8वां कि फ्यूल एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा फ्यूल डालने से वो डायमेंशन था जो क्रैश का वजह था। तीसरी वजह, गलत नेविगेशन। MI-17V5 एक VIP हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका निर्माण रशियन हेलीकॉप्टर्स की सहायक कंपनी कजान हेलीकॉप्टर करती है। इसके कैबिन के अंदर और बाहर स्लिंग को कार्गो परिवहन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। MI-17V5 दुनिया के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टरों में से एक है।